अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदनान और आप देख रहे हैं अदनान यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल पे आप सबको दिल से वेलकम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि आप अपने मोबाइल के कॉल नंबर डायल पैड में अपनी या किसी भी अपने दोस्त की या अपनी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो कैसे लगा सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा फ़ोन डायलर है मोबाइल फ़ोन का, जहाँ से मैं किसी को कॉल करता हूँ तो नंबर डायल करता हूँ। ये देख सकते हैं, जैसे मैं इसे ओपन करूँगा तो ये देख सकते हैं नीचे आपको यहाँ पर, ये देख सकते हैं यहाँ पर नंबर जहाँ से डायल कर रहा हूँ, आपको पीछे जो है ना बैकग्राउंड में तस्वीर लगी हुई है जो कि एक आपको नज़र आ रही होगी कि लड़की की तस्वीर है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन के नंबर डायल पैड में, कॉल नंबर डायल पैड में अपनी या किसी और अपने दोस्त की या आप अपनी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो लगा सकते हैं और अपने दोस्तों को जाना फ़ोटो लगा के बहुत ही ज़्यादा हैरान कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तरीका कौन सा है ये जानने के लिए आपने इस वीडियो को अंत तक लाजमी देखना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप कोई भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके कोई भी आपका सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया के वीडियो को कर लेते हैं शुरू। तो दोस्तों, जो इस वीडियो में मैं आपको तरीका सिखाने जा रहा हूँ कि अपने मोबाइल फ़ोन के कॉल नंबर डायल पैड में अपनी या अपनी गर्लफ्रेंड की या अपने दोस्तों की फ़ोटो लगाने का, वो तरीका जानने से पहले आपने करना क्या है, ये जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले आपने इस वीडियो को इस तरीके से कर देना है लाइक। वीडियो को आपने लाजमी से लाइक करना है। वीडियो को लाइक करने के बाद मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस तरीके से रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपने उसे इस तरीके से दबा देना है और साथ में जो बेल आएगी आपने उसे लाजमी से दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे कर देना है, आपकी बहुत ही ज़्यादा मेहरबानी होगी। इस तरीके से मेरा चैनल हो जाएगा सब्सक्राइब और मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलता रहेगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपने नीचे कमेंट में मुझे नाइस वीडियो लाजमी से लिख के कमेंट सेंड करना है, या आपको किसी और चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो हम चलते हैं बैक अपनी ट्रिक की जानिब। तो बैक आने के बाद दोस्तों, जो इस वीडियो में मैं आपको तरीका सिखाने जा रहा हूँ कि अपने मोबाइल फ़ोन के कॉल नंबर डायल पैड में अपनी या किसी भी अपने दोस्त की अपनी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो लगाने का, उसके लिए दोस्तों हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ये वाले जो फ़ोन डायलर है जहाँ से आप नंबर डायल करते हैं, ये एक एप्लीकेशन है। इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस आपने फ़ोन डायलर एप्लीकेशन है, आपने इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपने कुछ भी नहीं करना, इसे करना है ओपन। इसे ओपन करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, ऊपर आपको ये देखें माइक है, इसके ऊपर आपको तीन डॉट दिखाई दे रही है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा, ये देख सकते हैं। आपने यहाँ पे सेटिंग है, आपने सेटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको दोस्तों नीचे पाँचवें नंबर पे एक सेटिंग है, आपने इसी को ओपन करना है। इसे ओपन करने के बाद आपको नीचे जो है ना दोस्तों लिखा होगा मैं बैकग्राउंड, ये देखें डायल पैड बैकग्राउंड है, आपने इसी पर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी जहाँ पर आपकी फ़ोटो पड़ी होंगी, आपने यहाँ से गैलरी पर क्लिक करना है। गैलरी पर क्लिक करने के बाद मेरे पास फ़ोटो जो भी पड़े मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं मैं यहाँ से कोई भी फ़ोटो ले लेता हूँ, ये देखें यहाँ से मैं अभी ये वाली फ़ोटो ले लेता हूँ यहाँ से, ये देख सकते हैं ये वाले मैंने फ़ोटो ले लिया है। आप यहाँ से फ़ोटो को क्रॉप भी कर सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से जो भी हिस्सा आप क्रॉप करके यहाँ से लगा सकते हैं। ये देखें मैंने अभी आपको सिर्फ जस्ट सिखाने के लिए बता रहा हूँ, आप अच्छे तरीके से क्रॉप करके अपनी या किसी भी अपने दोस्त की फ़ोटो लगा के जो है ना अपने दोस्तों को हैरान कर सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं मैंने फ़ोटो क्रॉप करके लगा दिया है, अभी मैं आपको बैक चल के दिखा देता हूँ। ये देखें मैं जैसे ही इसे ओपन करूँगा तो ये देख सकते हैं आपको नीचे जो है ना फ़ोटो जो है नज़र आ रही होगी, जो कि मैंने फ़ोटो चेंज कर लिया। अभी मैं आपको दोस्तों अपनी फ़ोटो जो है ना लगा के दिखा देता हूँ। बैक आने के बाद दोस्तों दोबारा मैं इसे फ़ोन डायलर जो है ना एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद फिर वही तीन डॉट पर, फिर सेटिंग पे, सेटिंग में आने के बाद आपने फिर पाँचवें नंबर पे सेटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद मैं बैकग्राउंड डायल पैड बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। उसके बाद गैलरी में चले जाना है। गैलरी को ओपन करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं ये मेरी एक समझ लें इमेज पड़ी है मेरे पास, जो कि मैं इसे क्रॉप कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ से इसे क्रॉप करने के बाद, यहाँ से क्रॉप करना है आपने जैसे आपको अच्छी लगे, मुनासिब लगे, आपने क्रॉप करके यहाँ पर डन लिखा हुआ डन पर क्लिक करना है तो आपकी इमेज जो है ना सेट हो जाएगी। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा, ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी ये इमेज हो चुकी है सेंड। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने मोबाइल फ़ोन के कॉल नंबर डायल पैड में जहाँ से आप किसी को कॉल करते हैं या नंबर डायल करते हैं, ये देख सकते हैं ये जो नंबर डायल पैड है बैकग्राउंड है, इसमें आप अपनी जो है ना फ़ोटो जो है ना इस तरीके से जो मैंने आपको तरीका बताया, अपनी फ़ोटो या किसी भी अपने दोस्त की या अपनी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो लगा के अपने दोस्तों को हैरान कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये आज की वीडियो मेरी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर देना है।
तो जाने से पहले एक बार फिर मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करके साथ बेल को दबा देना है। तो अगली वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।